आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का सफाया। बस अपने क्वेश्चन हमें बताना है जो गिवन सॉल्ट है इनके अंदर से कौन सा एक सोल्ट एसिडिक सॉल्ट नहीं है तो हम पहले देख लेंगे एसिडिक सॉल्ट क्या होता है एसिडिक सॉल्ट इज फोड फ्रॉम स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा एक एसिडिक सॉल्ट और इसके अलावा क्या हो सकता है बेसिक सॉल्ट हो सकता है बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस तो ऐसे सोल्ट को कहा जाएगा बेसिक सॉल्ट इसके अलावा हो सकता है न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्मड फ्रॉम स्ट्रोंग एसिड एंड अ स्ट्रोंग बेस तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे सॉल्ट गिवन है, ये कैसे फॉर्म हुए हैं और सॉल्ट के लिए जो सॉल्ट की फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके अंदर एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर सोल्ट के अंदर एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है ये जो पॉजिटिव आयन है जो पॉजिटिव आयन है सोल्ट का वो आया है फ्रॉम बेस और जो नेगेटिव आयन है ये आया है फ्रॉम एसिड हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे एक यहां पर अगर हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया, NaCl एक सोल्ट है तो ये बेस से आया है बेस के अंदर होते हैं OH- आयन तो यहां पर Na+ एंड सीएल माइनस आयन होता है तो ये एन एच फॉर्म करेगा बेस बेस जब एनएच रिएक्ट करेगा एसिड सीएल कहाँ होता है किस एसिड में होता है सीएल के अंदर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा एनए सॉल्ट तो जो पॉजिटिव पार्ट आता है वो आता है बेस से एंड नेगेटिव आता है फ्रॉम एसिड तो यहाँ पर सीयूएसओ फोर गिवन है कॉपर सल्फेट के अंदर जो सल्फेट है सल्फेट होता है टू माइनस आयन सल्फेट आयन के ऊपर होता है टू माइनस चार्ज तो कॉपर पे होना चाहिए सीयू टू प्लस चार्ज तभी एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होगा जो पॉजिटिव पार्ट है वो आया है फ्रॉम बेस मतलब ओ एच ग्रुप फॉर्म करेगा ओ एच माइनस आयन के ऊपर है वन माइनस चार्ज तो अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करना है तो टू ओ एच माइनस आयन होंगे तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड से फॉर्म हुआ है और जो नेगेटिव पार्ट है ये आया है फ्रॉम एसिड तो यहाँ पर एच प्लस आयन हम एड कर देंगे तो इसमें फॉर्म होगा एच टू एस फोर तो जो कॉपर सल्फेट है दैट इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस तो जो सीओ सो फोर सोल्ट फॉर्म हुआ है इसका मतलब सॉल्ट है ऑप्शन ए में हमें इज एसिडिक हमें बताना नॉट एसिडिक इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है नेक्स्ट इज एन ए टू सीओ थ्री एन ए टू सीओ थ्री के अंदर है अगर हम इसे एक्व सोल्यूशन में डाले तो ये ब्रेक डाउन होंगे टू एन ए प्लस आयन टू प्लस आयन एंड कार्बोनेट आयन जो पॉजिटिव आयन है दैट हैज कम फ्रॉम बेस तो यहां पर फॉर्म होगा एनए एंड कार्बोनेट आया है नेगेटिव आया है फ्रॉम एसिड तो ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट एच प्लस आय एड करेंगे एच टू सीओ थ्री होगा एच टू सीओ थ्री कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉग बेस एंड कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड इसलिए ये एक फॉर्म करेंगे बेसिक सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं बेसिक सॉल्ट एन टू सीओ थ्री हमारा जो एन ए टू सीओ थ्री सोल्ट है इट इज अ बेसिक सॉल्ट ये एसिडिक सोल्ट नहीं है हमें बताना था विच इज नॉट एन एसिडिक सोल्ट नॉट एन एसिडिक सोल्ट इसलिए एन ए टू सीओ थ्री मेरा ऑप्शन करेक्ट है ये बेसिक सोल्ट है एसिडिक सोल्ट नहीं है नेक्स्ट इज जेडे फोर जेडेन एसो फोर के अंदर जो जिंक है जेडेन आयन है जिंक सल्फेट के अंदर ये ब्रेक डाउन होगा टू जेडन टू प्लस आयन क्योंकि सल्फेट होता है एसो फोर टू माइनस आयन अब जिंक आया है फ्रॉम जिंक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव पार्ट आता है फ्रॉम बेस एंड सल्फेट आया फ्रॉम एच टू एस फोर तो एच टू एस फोर इज सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज अ अट्रॉग एसिड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस तो ये फॉर्म करेंगे एसिडिक सॉल्ट तो ऑप्शन सी में जो हमें सॉल्ट गिवन है दैट इज एसिडिक हमें बताना था विच इज नॉट एसिडिक इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है नेक्स्ट इज एन एच फोर एनओ थ्री एनएच फोर एनओ थ्री के अंदर क्या आय फॉर्म होंगे एनएच फोर प्लस आयन एंड एनओ थ्री माइनस आयन एन फोर प्लस आयन पॉजिटिव आयन आता है फ्रॉम बेस तो ये होगा एन फोर ओ एच एंड ये होगा एच एन ओ थ्री एके एच प्लस आयन से फॉर्म हो जाएगा एसिड एच एन ओ थ्री इज नाइट्रिक एसिड विच इज अ अट्रॉन्ग एसिड इट इज अ स्ट्रॉग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस तो बेस्रॉग एसिड एंड वीक बेस से फॉर्म होता है एसिडिक सॉल्ट तो ऑप्शन डी में जो हमें सॉल्ट सोल्टा इट इज ऑल्सो एन एसिडिक सॉल्ट हमें बताना था विच इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट इसके ऑप्शन डी वीक इनकरेक्ट है सोडियम कार्बोनेट इज नॉट एन एसिडिक सॉल्ट इट इज अ बेसिक सॉल्ट इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट है थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअ या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर